धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर नंबर 1 के मैकेनिक नगर में बीती रात 12 बजे के लगभग दामाद ने चाकू से काकी सास नीलाबाई की हत्या करके दुर्गेश व रत्नेश दो सालों को घायल कर दिया। दामाद को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना मिलते ही पीथमपुर सेक्टर नंबर 1 की पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर पीथमपुर पुलिस सहित CSP दरुणेंद्र सिंह बघेल, थाना प्रभारी चंद्रबान सिंह चडार सहित अन्य बल आरोपी की तलाश में जुट गए और 24 घंटे के अंदर ही आरोपी हिम्मत सिंह, सोनू उर्फ गजेंद्र, गोकुल और लाल कुंवर बाई को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी दामाद हिम्मत सिंह का उसकी पत्नी मोहिनी के बीच पारिवारिक विवाद हो गया था। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपी के पास से चाकू, मोगरी और डंडा बरामद किया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। दुर्गेश की बहन मोहिनी की शादी 2018 में हुई थी। मोहिनी के पिता बड़वा क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये जो शादी हुई थी तो ये रतलाम में हिम्मत के साथ हुई थी। ये काम काज करने की नीयत से दोनों परिवार यहाँ मैकेनिक नगर में आके रहने लगे थे और फैक्ट्रियों में काम करते थे। मोनी कल मैकेनिक नगर में कल दिनांक को रात करीब 11 बजे हिम्मत ने अपने पत्नी मोनी के साथ मारपीट कर रहा था। उसके भाई दुर्गेश और रत्नेश बचाने गए थे जिसको हिम्मत ने चाकू मार दिया। जब मोनी की चाची इन सबको बचाने की दौड़ी के लिए गई तो एक राय से हिम्मत, सोनू, लाल कुंवरबाई और गोकुल इन लोगों ने चाची के ऊपर अटैक कर दिया, उसका उनको और चाकू मारा जिससे उनकी घटनास्थल में मौत हो गई। उनका नाम है नीलाबाई, मृतक का नाम है नीलाबाई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी सेक्टर 1 TI साहब चरार साहब और उनके स्टाफ हमराह के लोग वहां गए, मृतक की डेड बॉडी हॉस्पिटल भेजा और घायलों को तुरंत उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए जहां से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। आज चारों आरोपियों को हिम्मत, सोनू, लाल कुंवरबाई और गोकुल इन चारों को पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार कर लिया है जिन्हें कल जुडिशियल रिमांड में पेश किया जाएगा। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।